शिवपुरी में ओबीसी समाज ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी समाज के मुताबिक केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है और भारत के अधिकतर राज्यों में ओबीसी को ये सुविधा मिल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की 80% आबादी होने के बाद भी केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है यदि उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो वे आंदोलन का रुख इख्तियार करेंगे। ग्वालियर के डबरा में पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले में MP सेल्फ कॉरपोरेशन के मैनेजर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा थाना प्रभारी ही अवैध रेत खनन और परिवहन कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें 5 ड्राइवर सहित जब्त किए गए हैं और इन पर 10 ट्रैक्टरों पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान भी किया गया। इनसे अभी प्रारंभ पूछताछ में इनके द्वारा ऐसा बताया गया पिछोर साइड से ये रेत लेके आ रहे थे। अभी इनसे पूछताछ और की जा रही है कि ये और कहाँ से लेके आते हैं। SP साहब और एडिशनल SP साहब दोनों के कहने पे ये गाड़ियाँ पकड़ में आ गई, नहीं तो कोई पकड़ ही नहीं रहा। पूरा पुलिसिंग का काम छोड़ के पूरा माइनिंग का काम कर रहे हैं ये लोग। माफिया कोई ठेकेदार, हम लोग 35 करोड़ रुपए दे के इस ठेके को लेके आए हैं। 35 करोड़ रुपए, अगर भाई अभी NGT की रोक है, हमने अपना काम बंद कर रखा है, भाई काम तो बंद है हमारा, पर नाकों पे हमारे लड़के तो रहेंगे, इससे चोरी ना हो। विदिशा में कलेक्टर ने